आज हम लोग देखने वाले हैं सैमसंग A525। A525 जो आपको दिख रहा है, इसका बोर्ड इस तरह से दिखता है। ठीक है, इस फ़ोन का देखेंगे नेटवर्क सेक्शन। इसके नेटवर्क सेक्शन में आपको इस तरह से बहुत सारी आईसीज देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी लोगों को इस आईसीज के बारे में पता नहीं होता है कि इसमें कौन सी आईसी का क्या काम है और कौन सी आईसी क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो ट्रांसीवर लगा हुआ है, SDR 6 675 लगा हुआ है। तो इस SDR के साथ में ये पूरा सर्किट जो है डेवलप किया गया है। हम यहाँ पे इसके बैक साइड में देखते हैं, यानी कि प्रोसेसर साइड में। तो यहाँ पे एक हमें 4G पावर एम्पलीफायर देखने को मिल रहा है, और अदर साइड में आप देख सकते हो, यहाँ पे इस बोर्ड के बैक साइड में यहाँ पे ट्यूनर और फिर बहुत सारी इसमें DRX ICs दिख रही हैं यहाँ पे और यहाँ पे, और उसके बाद वाईफाई ब्लूटूथ IC यहाँ पे है। SDR दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पावर एम्पलीफायर यहाँ पे दिख रहा है जो फ्रंट एंड मॉड्यूल होगा। बाकी दो RF यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं जो स्प्लिट किए हुए छोटे पार्ट में। तो ये क्या है, किस तरह से पूरा फंक्शन है इसका, इसको हम समझने वाले हैं। देखिए, ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी ICs जो है इसमें नेटवर्क के लिए पार्टिसिपेटेड है। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक APT ICs जैसा भी एक IC दिख रहा है छोटा सा, तो ये भी नेटवर्क सेक्शन में पार्टिसिपेटेड है। यहाँ पे आपको एक IC दिख रही है, इसके ऊपर दो छोटे छोटे फिल्टर्स और FL दिख रहे हैं, वो भी आपकी जो है नेटवर्क सेक्शन में हिस्सा लेने वाला है। और यहाँ पे भी दो IC और दिख रही है, ये भी नेटवर्क सेक्शन का ही पार्ट है। ट्रांसीवर और यहाँ पे फ्रंट एंड मॉड्यूल आपको पता ही है पहले से, ये दोनों नेटवर्क सेक्शन का ही पार्ट है। उसके बाद यहाँ पे एक IC दिख रही है और यहाँ पे एक ट्यूनर IC दिख रही है, और इसी तरह की ट्यूनर IC हमारे मदरबोर्ड के सब बोर्ड में जो है, सब बोर्ड की PCB में भी इस तरह की ट्यूनर IC सैमसंग के फ़ोन के अंदर होती है, जिसके अंदर RFFE प्रोटोकॉल कनेक्टेड होती है। और यहाँ पे हमारा 4G पावर एम्पलीफायर है। तो इन सभी ICs के कम्बिनेशन को हम देखेंगे और किस तरह से ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती है और किस प्रकार से फ़ोन के अंदर सिग्नल्स जनरेट होते हैं, सिग्नल्स लाइन कौन कौन सी होती है, कौन सी सप्लाई किस IC को जाती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप चाहते हो मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स करना और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को पाना, तो आप हमारे वेबसाइट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। वेबसाइट का नेम है www.mobilelab.com। वहाँ पे जाके आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, जिसमें पूरी कंप्लीट सर्किट एक्सप्लेन की गई है, जिसमें किसी भी प्रकार का स्कीमेटिक आप देख सकते हो, समझ सकते हो। इस कैपेबल आप बन जाओगे अगर आप उस पूरे कोर्स के सीरीज़ को जो है वॉच करते हो सही तरीके से, और बोर्नियो के ऊपर खुद जो है प्रैक्टिस करते हो, और सॉल्यूशन भी आपको उसमें मतलब बताया जाता है। फिक्स टाइम के ऊपर आप कॉल करोगे तो बात भी हो सकती है हमसे, तो फिक्स टाइम होता है, उस टाइमिंग के बीच आपको कॉल करना होता है। और ये कॉल का टाइम जो होता है एवरीडे होता है, बस सैटरडे संडे और ये कॉल जो है आपको नहीं करना होता। तो उसमें टर्म कंडीशन आपको बताया जाता है कि कब आप कॉल कर सकते हो, किस टाइम के ऊपर, उस टाइम कॉल करोगे तो बात होगी। साथ ही साथ ये पूरे सेक्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे, तो ये पूरा सेक्शन का जो कंप्लीट वीडियोस होगा वो भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। और इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेंगे वेबसाइट के ऊपर। 5G के पूरी बूट सीक्वेंस भी मिलेगी, 4G की पूरी बूट सीक्वेंस, 4G की पूरे नेटवर्क सेक्शन, 4G नेटवर्क, 5G नेटवर्क। तो इस तरह से आप जो है सारी चीज़ों को वेबसाइट में वीडियो कोर्स के फॉर्म में देख सकते हो, किसी भी टाइम पे कभी भी देख सकते हो। कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आप पहले एक देखो बाद में दूसरा देखोगे, इस तरह से नहीं। आप जो भी वीडियोस चाहोगे तुरंत आपको मिलेंगे वहाँ पे, और उसको आप देख सकते हो किसी भी टाइम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे ट्रांसीवर दिख रहा है जो कि RF है, SDR 6 75। तो इस ट्रांसीवर से कनेक्टेड हमारी कौन कौन सी IC होगी ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले पहले हम इस ट्रांसीवर को समझ लेते हैं। ट्रांसीवर को समझने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे फ़ोन के अंदर कितने RF ICs लगी हुई है और कौन कौन सी RF लगी हुई है। ठीक है, तो चलिए हम ट्रांसीवर का कोड जो है कॉपी कर लेते हैं, U2001। तो इसको कॉपी करने के बाद जो है हम इसको स्केमेटिक डायग्राम के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब आपको यहाँ पे ये ट्रांसीवर नज़र आ रहा है जिसका ये कोड है U2001। ठीक है, इस ट्रांसीवर के अंदर के सारे फंक्शन को हम समझेंगे। तो आपको यहाँ पे देखो, सैमसंग के अंदर लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्केमेटिक को रीड करने में और समझने में, और नेटवर्क सेक्शन तो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगा,
तो इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं जिससे इजीली आप रिपेयर कर पाओगे सैमसंग के हाफ फ्लाइट मोड सॉल्यूशन को भी, और सैमसंग में जितने भी नो सर्विस और अदर प्रॉब्लम्स आते हैं नेटवर्क से रिलेटेड उनको भी आप इन सभी लाइनों की ट्रेसिंग की मदद से, जो हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं उनकी मदद से, आप फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो ईजिली। तो सबसे ज़रूरी चीज़ होता है फ़ोन के अंदर, अगर आप किस रिपेयर करते हो, फ़ोन रिपेयर करते हो, तो सबसे ज़रूरी यही होता है कि आपको स्कीमेटिक का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और सेक्शन की पूरी समझ होनी चाहिए कि कौन सा सेक्शन किस तरह से काम करता है और कौन से सेक्शन पे हमें किस टाइम काम करना चाहिए। तो नेटवर्क सेक्शन काफ़ी वाइड सेक्शन है, 4G और 5G दोनों को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। 5G 4G के कंपेरिजन में लगभग 2 टाइम्स मल्टीपल, यानी कि 2 गुना है समझ लो सर्किट, लेकिन ईजी है, मुश्किल नहीं है, समझने के ऊपर है। अगर आप कंटिन्यूसली जो है उस पर प्रैक्टिस करते हो, स्कीमेटिक को रीड करते हो, तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ जो है क्लियर समझ में आएगी कि किस तरह से हमें कौन सी लाइन को हमें ट्रेस करना चाहिए और कौन सी लाइन की प्रॉब्लम एग्जैक्टली हो सकती है, तो वहाँ से वो चीज़ आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, आप हमारा लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें जो है प्रीमियम एडवांस मॉडल के जो फ़ोन है, और हमारे यूट्यूब चैनल के जो कम्युनिटी पोस्ट है उसके अंदर वो सिलेबस पोस्ट किया गया है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि वो जो सिलेबस है उसके अंदर जो बड़े मॉडल्स जो भी 5G मॉडल्स हैं उसको ऐड किया गया है, उन सभी मॉडल्स को जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। पावर सीक्वेंस, नेटवर्क सेक्शन जो है पूरी तरह से लाइव क्लास के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। 32 डेज़ का लाइव क्लास होने वाला है जो कि बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो जिनको भी सीट की बुकिंग करनी है वो सीट की बुकिंग कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं, 5G सर्किट को जो है समझ सकते हैं और 5G सेक्शन को इजीली उनके शॉप पे जो भी फ़ोन्स आते हैं 5G उनको वो रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और केवल नेटवर्क सेक्शन ही नहीं, आपका पावर सेक्शन, अदर लाइट सेक्शन, ऑडियो सेक्शन भी एक्सप्लेन किए जाएंगे जिससे आप जो है इजीली समझ पाओगे। तो देखो ये जो ट्रांसीवर है इसके अंदर का नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया है, तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि SDR की वोल्टेजेस है, तो 5 टाइप की वोल्टेज होती है SDR के ऊपर, हमें पता है पहले से। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको SDR की एक L3A वोल्टेज है जो कि 1 वोल्ट है, और यहाँ पे L2A वोल्टेज है जो कि 1 वोल्ट है, तो दो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल रही है। तो दोनों वोल्टेज को हम ये देखते हैं कि देखो जरूरी तो नहीं है दोनों वोल्टेजेस कंटिन्यूस आती रहें, ये या फिर 3 वोल्टेजेस यहाँ पे है, 1.8 की डिजिटल वोल्टेज है और L14A की 1.8 है, और SDR की 1.2A जो वोल्टेज दिख रही है L1A की वोल्टेज है। अब ये डिजिटल वोल्टेज जो है वो L10A को ही कन्वर्ट करके बनाया गया है, और एक वोल्टेज होगी VDD-FE जो कि RFICs के अंदर गई होगी जो कि L16A को ही कन्वर्ट करके बनाया गया है एक पैड की मदद से। ये पैड जो है बोर्ड के अंदर लेयर्स के अंदर होते हैं, वो आपको बोर्ड के ऊपर नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हम जो है सबसे पहले समझने के लिए क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि ये वोल्टेज लाइन कोई भी ट्रैक ओपन हो गई अगर SDR के अंदर से, तो आप कितनी बार भी SDR लगाओगे तो आपका SDR जो है वर्किंग में नहीं आएगा, यानी आपका फ़ोन जो है हाफ फ्लाइट मोड में रहेगा या फिर नो सर्विस में रहेगा या फिर अनेबल टू गेट IMEI और बेसबैंड, दोनों शो नहीं होगा। ठीक है, IMEI भी शो नहीं होगा, बेसबैंड भी शो नहीं होगा। तो ये पूरी वोल्टेज लाइन की जो आपको N8, R4 और M21 इस तरह की जो नंबर्स दिख रहे हैं बिट मैप की मदद से, इस IC की बिट मैप्स को आप खोलेंगे और उसकी मदद से इन सभी नंबर को चेक करेंगे कि उनके ऊपर डायोड वैल्यू यानी कि ZR अवेलेबल है या नहीं। अगर डायोड वैल्यू अवेलेबल है मतलब कि ये लाइनें कनेक्टेड हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में आप क्या चेक करते हो, सबसे पहले आपने वोल्टेज की GR ट्रांसीवर के अंदर ले ली है, और उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में आप क्या चेक करते हो, यहाँ पे आपको प्राइमरी रिसीवर दिख रहा है और डाइवर्सिटी रिसीवर की लाइंस दिख रही हैं, इन्हें आपको फिलहाल अभी बिल्कुल भी नहीं चेक करना है। हम इनको एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये किस तरह से जनरेट होते हैं, पहले DRX आएगा फिर PRX आएगा, किस तरह से वो आता है, और यहाँ पे जो आपको ऑटोनेटर लाइन दिख रही है इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लाइन भी हमें अभी नहीं चेक करना है, कुछ भी इधर नहीं चेक करना है, ग्राउंड भी हमें नहीं चेक करना है। ग्राउंड तो फिलहाल आप फिजिकली देख लेना कि कोई भी ग्राउंड पैड भी ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पैड भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो बिट मैप आप देख सकते हो कि कौन सी ग्राउंड पैड है, जो ग्रे कलर की पैड होगी, अगर वो ब्रोकन है आपके IC के पैड में तो आप उसको ग्राउंड करोगे या तब कहीं और से ग्राउंड दोगे। फिर यहाँ पे SDR की जो GRFC दिख रहा है, GRFC ये लाइन में भी कुछ लाइनें इंपॉर्टेंट हैं जो कि स्विच को इनेबल करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्विच सेलेक्शन लाइन इनेबल, CA सेलेक्शन लाइन इनेबल, लाइन इनेबल। तो SDR की GRFC लाइन जो होती है, और यहाँ पे ई लाइन कंट्रोल भी लिख रहा है, तो ये जो GRFC लाइन्स होती हैं SDR के अंदर, बहुत सारे SDR 660 के अंदर अगर आप देखो तो ये NC दी होती है, NC होती है यानी कि नॉट कनेक्टेड होती है,
और इस एसडीआर में, ये एसडीआर का नंबर जो है हमारा 675 है, तो इसके अंदर ये कनेक्टेड है और इसी के रीज़न से ये सर्किट इसमें डेवलप किया गया है। इसकी वजह से ही यहाँ पे मल्टीपल आरएफ्स दिख रहे हैं आपको, और वो आरएफ्स जो है किस तरह से कनेक्टेड है, कैसे कब किस टाइम पे ऑन होगा, वो सब यहाँ से ही कंट्रोल होने वाला है। तो इसको भी हम चेक करेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं चेक करेंगे, हम एसडीआर की क्लॉक चेक करेंगे। यहाँ पे हमें 34.8 भी मिल सकता है, 38.4 मेगाहर्ट्ज़ की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिलेगी हमको, क्योंकि देखिए एसडीआर में हमें 38.4 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो जो क्रिस्टल जितने वैल्यू का लगा होगा एग्जैक्टली उतना ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमें मिलती है एसडीआर में। आपके बोर्ड में पावर आईसी के बगल में जो क्रिस्टल लगी होगी उसके ऊपर नंबर्स लिखे होंगे, वो नंबर्स जितनी होगी उतनी ही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी केवल यहाँ पे मिलेगी, ना कि बेसबैंड क्लॉक में। बेसबैंड क्लॉक में 19.2 मेगाहर्ट्ज़ ही मिलेगा। फिर जस्ट इसके बाद जो अदर लाइन होगा वो RFFE1 डेटा और RFFE1 क्लॉक की लाइन चेक करेंगे। इन दोनों के ऊपर आपको यहाँ पे कैपेसिटर के पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो आप इसके ऊपर रीडिंग भी ले सकते हो आईसी को रिमूव करके, या फिर R20 और U20 के पैड के ऊपर रीडिंग ले सकते हो। 500 की रीडिंग होगी, 500-600 के बीच में। फिर यहाँ पे WMSS रीसेट N जो दिख रहा है, ये मॉडम रीसेट होता है, इसकी एक टेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आप 1.8 की वोल्टेज को मेजर कर सकते हो फ़ोन को ऑन करके। यहाँ पे 1.8 CPU से आता है। M17 नंबर की बॉल पे देख सकते हो GR अवेलेबल है या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि CPU से ये लाइन कनेक्टेड नहीं है और आपका जो है नो सर्विस है, हाफ लाइन मोड बना हुआ है। उसके बाद Q-Link की 10 लाइनें होती हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 लाइन दी हुई है, क्योंकि दो लाइनें जो है रिक्वेस्ट और इनेबल की है। तो ये रिक्वेस्ट और इनेबल पे भी रीडिंग चेक करनी है और Q-Link की 10 लाइनों पर भी रीडिंग चेक करनी है, जो कि बेसबैंड के लिए होती है। तो ये पूरी लाइनें हमें चेक करनी है, जितना भी हमने अभी एक्सप्लेन किया। तो पूरी वोल्टेज की लाइन की डायोड वैल्यू लेंगे, और देखो पहले क्या होता है, आप SDR चेंज करते हो फिर भी नो सर्विस से सॉल्व नहीं होता आपका प्रॉब्लम, तब आप ये सारी चीज़ों को चेक करोगे। इन सभी वोल्टेज लाइन की रीडिंग चेक करोगे और Q-Link की लाइन की रीडिंग की चेक करोगे, Q-Link इनेबल रिक्वेस्ट की रीडिंग चेक करोगे, WMSS रीसेट यानी मॉडम रीसेट की लाइन चेक करोगे, RFFE क्लॉक डेटा की रीडिंग चेक करोगे और XON की रीडिंग चेक करोगे अवेलेबल है या नहीं। ये कॉइल पे आप भी चेक करोगे, कॉइल भी ओपन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आपके ये GARFC की जो लाइन है इनको बाद में चेक करना है, इनको अभी चेक नहीं करना है। यानी कि अगर इतनी लाइनें सही हैं तो ऊपर जो ये TX दिख रहा है आपको, TX यानी जो ट्रांसमिट लाइन दिख रही है यहाँ पे आपको, कितनी लाइन है ये, 3-5 लाइन दिख रही है आपको। ये पांचों की पांचों लाइंस जो हैं ये बैंड आउट लाइन है, यानी कि ट्रांसीवर बैंड यहीं से आउट करेगा। तो फिलहाल बैंड आउट करने से पहले इसको यहाँ पे रिसीव भी तो होना चाहिए। ये पूरी RX सेक्शन है, यानी कि रिसीवर सेक्शन है, प्राइमरी रिसीवर और डाइवर्सिटी रिसीवर। यहाँ पे रिसीवर पहले फ्रीक्वेंसी बैंड रिसीव होगी, उसके बाद ही तो ट्रांसमिट होगी। तो रिसीव जब होगी तब तो ट्रांसमिट होगी। तो पहले हमारा DRX एक्टिवेट होता है, उसके बाद हमारा ट्रांसमिट होता है यहाँ से, और ये बैंड ट्रांसमिट होके जाता है 2G पावर और 4G पावर एम्पलीफायर के अंदर, और वो 4G पावर एम्पलीफायर और 2G पावर एम्पलीफायर जो है उसको एंटीना तक RX TX यानी रिसीवर ट्रांसमिट करने का काम करते हैं, जो कि फ्रंट एंड मॉड्यूल से होता है। तो हम आगे समझेंगे उसको। तो इतनी पैड जितनी अभी हमने बताई, इतनी पैड को आपको इजीली 1x1 डायोड वैल्यू चेक करना है। अगर आपने इतनी डायोड वैल्यू चेक करके आईसी को प्लेस कर दिया तो आपका काम जो है हो गया। यानी कि अब आप एसडीआर की तरफ काम मत करना, क्योंकि एसडीआर में आपकी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे जो लाइनें कनेक्टेड दिख रही हैं इनको भी मैं बता दूँ, क्योंकि इनसे भी प्रॉब्लम आती है। अगर इस स्विच को हम देखें, स्विच की जो लाइन है, तो इसको कॉपी करके हम सर्च करते हैं। देखिए कैसे हमें कंफर्म होता है कि इस पे ZR आएगी या नहीं आएगी। तो कॉपी करेंगे और सर्च करेंगे तो डायरेक्टली ये दिख रहा है आपको कि एक यहाँ पे स्विच के अंदर, RF स्विच के अंदर VCTL मतलब कंट्रोल वोल्टेज कंट्रोल के ऊपर ये कनेक्टेड है, मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड है। सीरीज में कोई कैप नहीं लगा है, मतलब इसके ऊपर रीडिंग हमें प्राप्त होने वाली है। जस्ट इसके नीचे वाली लाइन को भी इसी प्रकार से हम सेलेक्ट करेंगे और उसको भी हम चेक करेंगे, तो ये भी कनेक्टेड है। तो इनेबल है इसकी ये, तो इस इनेबल पे भी हमें जो है डायरेक्ट रीडिंग आएगी यहाँ पर भी। और यहाँ से हम देखते हैं थर्ड वाली लाइन को, तो थर्ड वाली लाइन पे भी हमें एक डायरेक्ट कंट्रोल पे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी हमें रीडिंग प्राप्त होने वाली है। तो यहाँ पे हमें तीनों पे रीडिंग प्राप्त होने वाली है। और उसके बाद फोर्थ लाइन को हम देखते हैं तो ये भी इनेबल है, तो इस पर भी हमें एक डायरेक्टली रीडिंग प्राप्त होगी, और ये रीडिंग होगी 400-600 के बीच में। और ये जो लाइन इनेबल है इस पर भी देखो तो ये डायरेक्ट आईसी से कनेक्टेड, यानी ये एक स्विच से कनेक्टेड है, तो इस पर भी हमें रीडिंग प्राप्त होने वाली। तो ये एसडीआर की जीआरएफसी पे भी रीडिंग आप चेक कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ से भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सारी लाइनें चेक करने के बाद जो भी बताया, जीआरएफसी लाइन, इनेबल लाइन, रिक्वेस्ट लाइन, क्यू लिंक की सारी लाइनें,
RFFE लाइन, मॉडम रीसेट लाइन और वोल्टेज की सभी लाइनों की डायोड वैल्यू अगर आप ले लेते हो तो मतलब कि SDR आपका वर्किंग में हो सकता है। अगर ये सारी वोल्टेजेस, इतनी सारी लाइन SDR के अंदर सही है तो आप SDR लगा दोगे, आपकी नेटवर्क आएगी। देखो अब क्या होगा कि अगर PRX और DRX में से कोई एक लाइन डैमेज भी है तो भी नेटवर्क आएगी, क्योंकि पूरी बैंड तो एक लाइन से चली नहीं जाएगी, अदर बैंड्स तो रिसीव हो रहे हैं अभी भी, तो आपका नेटवर्क आएगा। ठीक है, तो कोई एक लाइन भी अगर इसमें से डैमेज होगी, क्यू लिंक नहीं इसके ऊपर ट्रांसमिट वाली, तो भी आपकी 2G या 4G में से कोई एक नेटवर्क तो आता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसीवर पूरी तरह से ऑफ है। ठीक है, तो जितनी भी कंडीशंस थे जिससे ट्रांसीवर पूरी तरह से ऑफ हो जाता है, जो भी लाइंस थी उसको हमने आपको दिखा दिया कि वो लाइंस आपको चेक करने हैं। ठीक है, अब हम इन लाइंस के बारे में भी आगे समझ सकते हैं कि ये लाइंस कहाँ से आती है। तो क्यू लिंक की जितनी भी लाइन होती है ये सारी लाइन हमारी CPU से कनेक्टेड होती है। अब TXO लाइन जो हमारी होती है वो 2G और 4G, जो ये TX दिख रहा है, अदर ICs में TXO लिखा होता है, तो ये TX लाइन दिख रही है, ये हमारा 2G और 4G पावर एम्पलीफायर के अंदर कनेक्टेड होता है। बीच में FL और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है, वो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। इधर हमारा PRX और DRX की जो लाइन दिख रही है इसको चेक करना है, तो सबसे पहले हमें DRX को समझना है, क्योंकि देखो इसके अंदर मल्टीपल ICs दिख रहे हैं आपको, तो कौन सी IC DRX है, कहाँ पे DRX लगी हुई है, ये सारी चीज़ हमें समझनी होगी। जब तक आप DRX नहीं समझ पाओगे तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि कौन कौन सा रिसीवर है और कौन सा ट्रांसमीटर है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे जो है DRX को समझने के लिए हम इस DRX के ऊपर जूम करते हैं, और यहाँ पे आपको दिख रहा है DRX में मल्टीपल कैटेगरी दिख रही है। DRX लोअर बैंड, DRX लोअर बैंड में केवल सिंगल लाइन कनेक्टेड है जो कि आपकी बैंड 21 तक है। फिर DRX की एक लोअर मिडिल हायर बैंड दिख रहा है यहाँ पे, इसमें भी सिंगल लाइन है DRX मिडिल हायर बैंड 1। फिर आपको दिख रहा है DRX मिडिल हायर, तो इस पर भी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए इन सभी लाइनों को हम एक बार कंटिन्यूसली सर्च करते हैं और देखते हैं कि DRX लाइन के ऊपर कौन सी IC कनेक्टेड है और कितनी DRX की लाइन यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी हम देख लेते हैं। तो एक लाइन और यहाँ पे दो और तीन चार और टोटल यहाँ पे 5 लाइन्स है DRX की, बाकी मल्टीपल बाकी लाइन्स कट कर दी गई है, मतलब उनका यूज़ नहीं है। और PRX में अगर हम देखें तो PRX में हमारी 4 to 6 और 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 लाइन्स है, यानी कि PRX में ज़्यादा लाइन है। तो अभी हम देखेंगे कि कौन सी IC कहाँ पे लगी है, DRX की कहाँ लगी और PRX कहाँ से बन रहा है। तो सबसे पहले ये हम लोअर बैंड की लाइन को कॉपी कर लेते हैं DRX की, और इसको हम सर्च करते हैं। तो देखो आपको ये कैपेसिटर है, यानी कि उस लाइन पे, समझ रहे हो आप, इसके ऊपर हमें कोई भी डायोड वैल्यू मिलने नहीं वाली है। G20 पे OL आएगा जब आप चेक करोगे, तो क्योंकि यहाँ पे सीरीज में कैप लगा है, और ये एक छोटी सी U2008 यहाँ पे एक IC दिख रही है, तो ये कौन सी IC है। ठीक है, ये कौन सी IC है ये हमें समझना है, U2008 कौन सी IC है। इसके अंदर RFFE प्रोटोकॉल की लाइन भी कनेक्टेड है। अब ये RFFE लाइन जो दिख रही है ये आपको सीधा सीधा देखो, ये आपको एक और RF के अंदर कनेक्टेड है U2009 के अंदर, और यही एक फिर यहीं पे आ गए जहाँ पे हम थे 2008, और फिर ये CPU से है, यानी कि CPU से ये दो ICs के अंदर 2009 और 2008 के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2008 और 2009 जो IC दिख रही है वो बोर्ड में कहाँ पे दिख रही है, पहले हम ये कंफर्म करेंगे। तो 2009 यहाँ पे दिख रहा है आपको, और 2008 U2009 आपको यहाँ पे दिख रहा है, और 2008 यहाँ पे दिख रहा है, नज़र आ रहा है आपको दोनों प्लेस, नज़र आ रहा है यहाँ पे दोनों प्लेस आपको। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ पे एक IC दिख रही है और यहाँ पे एक IC दिख रही है, इसके एंटीना यहाँ पे ऊपर है और इसकी एंटीना यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, इसके बीच में दो कंपोनेंट और दिख रहे हैं जो कि FL होंगे और स्विच होंगे, तो अभी हम देखेंगे उसको। तो ये दोनों जो हैं 2008 जो है हमें फिलहाल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे दिख रहा है, साइड में दिख रहा है। तो पहले हम 2008 को देख लेते हैं क्या है। तो देखो 2008 से DRX की जो बैंड दिख रही है और ये जो बैंड दिख रही है, ये दोनों के दोनों हमारे उसी ट्रांसीवर के DRX सेक्शन में गए हुए हैं। चलिए इसको भी हम सर्च करके दिखाई देते हैं आपको, देख सकते हो आप। ठीक है, ये दोनों लाइन जो है हमारी DRX से मतलब रिसीवर है, ये DRX IC है, हमें ये कन्फर्म हुआ कि ये एक DRX IC है जो कि लोअर बैंड का DRX है, और ये एक हायर बैंड का DRX हो सकता है, तो अभी हम देखेंगे उसको भी। तो यहाँ पे एक DRX IC है, तो ये ऑपरेट कैसे हो रहा है, तो इसके अंदर RFFE प्रोटोकॉल लाइन है और VDD और IO वोल्टेज है, दो तरह की वोल्टेज है, जिसमें 1.8 की एक लाइन वोल्टेज है और एक डिजिटल वोल्टेज है। और आपको बता दूं मैं कि ये डिजिटल वोल्टेज ऑलरेडी मैंने शुरू में बताया कि एक वोल्टेज को ही कन्वर्ट करके बनाया जाता है, तो ये दोनों वोल्टेजेस हमें यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए और RFFE लाइन पे रीडिंग होनी चाहिए। और उसके बाद हम इस लाइन IC को चेंज करेंगे। कब चेंज करेंगे इस IC को, जब हमारा कोई भी बैंड सर्च होके लिस्ट नहीं बना रहा, या हाफ फ्लाइट मोड आ रहा, या ट्रांसीवर के ऊपर वोल्टेजेस नहीं मिल रही हैं, ट्रांसीवर के जो ऊपर 5 तरह की वोल्टेजेस हैं वो नहीं मिल रही हैं, तो उस टाइप भी हमें ये RFFE लाइन को चेक करना होता है। तो इस RF को चेक करने के लिए हमें यही करना होगा
इसकी वोल्टेज लाइन की डायोड वैल्यू और यहाँ पे जो क्लॉक लाइन और डेटा लाइन है इसकी रीडिंग लेने के बाद हम अब याद रहे इसकी रीडिंग कैसे लोगे आप, क्योंकि ये यू 2008 है तो 2009 के अंदर भी यही लाइन कनेक्टेड है। दोनों 2009 और 8 दोनों हमारा जो है डीआरएक्स है, तो डीआरएक्स की पूरी लाइन आरएफएफई की कनेक्टेड है कि नहीं सीपीयू में, वो जानने के लिए 2009 वाली जो आईसी है डीआरएक्स की उसको भी रिमूव कर दोगे तभी आपको रीडिंग मिलेगी। यहाँ पे भी रीडिंग मिलेगी और वहाँ पे भी रीडिंग मिलेगी, अगर दोनों की प्लेस पे रीडिंग मिल रही है मतलब कनेक्टिविटी सीपीयू से सही है। अब इस तरह की आरएफएफई लाइन ओपन हो जाने से ऐसा होता है कि हमारा नो सर्विस हो जाएगा, हाफ लाइट मोड हो जाएगा और WTR यानी ट्रांसीवर के ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा, जो SDR लगाया है उसके ऊपर कोई भी वोल्टेज नहीं आएगा। अब आता है यहाँ पे एंटीना लाइन, तो इसको अगर हम कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं तो ये जाएगा। देखो ये एंटीना लाइन यानी कि अगर हम इसके ऊपर ये एंटीना की बात करें तो इस लाइन के साइड का ये सर्किट होगा, तो इसको हम सर्च करते हैं तो देखो ये कॉइल है, कैपेसिटर और जस्ट ये एक एंटीना है, ठीक है, ये जस्ट एक एंटीना का पॉइंट है और उसके नीचे यहाँ पे RFFE5 करके एक दिख रहा है, तो इसको हम बाद में समझते हैं। ये भी एक ट्यूनर है, ये भी एक ट्यूनर है जो कि आपको दिख रहा होगा U2000। अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो ये साइड में लगा होगा U2000, यहाँ पे कॉर्नर पे लगी है बोर्ड के एकदम से, आप देख सकते हैं ये ट्यूनर है U2000। यहाँ पे भी RFFE क्लॉक डेटा कनेक्टेड है, तो इस RFFE के मिस होने से या ये ट्यूनर के मिस होने से भी हाफ फ्लाइट मोड आपका आ जाएगा फ़ोन के अंदर, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान देना है, बोर्ड के साइड में होता है तो वाटर डैमेज प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, यहाँ पे चांसेस होते हैं वाटर डैमेज के। तो ये एंटीना लाइन को हम सर्च करके सीधे आ जाते हैं ये DRX के ऊपर, तो हमें ये क्लियर हुआ कि ये एक डाइवर्सिटी रिसीवर है। एक डाइवर्सिटी रिसीवर तो हमें यहाँ पे मिल गया, दूसरा डाइवर्सिटी रिसीवर हमें ये दो लाइनें कंटिन्यूस हमने चेक कर ली कि दोनों हमारे एक लोअर बैंड डाइवर्सिटी रिसीवर के अंदर कनेक्टेड है। अब हम यहाँ पे 40 और 40 वाली को देखेंगे और ये दोनों तीन लाइन जो बचे हुए हैं इनको देखेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करते हैं और सर्च करते हैं, तो हमें ये लाइन जो है आपको यहाँ पे तीन लाइनें दिख रही हैं, आपको यहाँ पे 40 और 41 यानी हायर बैंड भी दिख रही है 4G की, और ये तीनों आउट हो रही है कहाँ से, ये 2009 से आउट हो रही है, यानी कि दूसरी वाली जो हमारी डाइवर्सिटी रिसीवर यहाँ पे जो पड़ी हुई है जिसको पावर एम्पलीफायर बताया गया है इसके अंदर वहाँ पर कनेक्टेड है और उसके अंदर से ये आउट हो रही है, और ये तीनों लाइन जो है हमारी ट्रांसीवर के अंदर जानी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये लाइन भी हमें चेक करनी होगी, कैपेसिटर ओपन नहीं होना चाहिए और इसके अंदर RFFE 3 क्लॉक और डेटा यानी कि वही प्रोटोकॉल RFFE की लाइन यहाँ भी कनेक्टेड है जो लोअर बैंड DRX के अंदर कनेक्टेड है, और यहाँ पे ये हायर बैंड और मिडिल बैंड का DRX है। तो इसके अंदर एक छोटा सा पंप सर्किट बनाया गया है, यहाँ पे देखो आप जो है इसी का हायर बैंड और इसी के ट्रांसमिट लाइन से कनेक्टेड करके इसको दिया गया है, तो इसको ट्यूनर बोल सकते हैं हम। इसके अंदर एक छोटा सा LC सर्किट बनाया गया है जिससे फ्रेक्वेंसी को जनरेट कराने के लिए ये सर्किट होती है। तो यहाँ पे FL है और यहाँ पे एक FL है, दिख रहा है आपको ये दो FL जो F1008 है और F2006 है। तो इसको अगर हम लेआउट में देखें तो F2006 तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है F2006 और F1008। अगर इनको देखो बोर्ड के अंदर तो ये दोनों के दोनों यहाँ पे और यहाँ पे अवेलेबल हैं, ये दोनों भी निकलने नहीं चाहिए नहीं तो आपकी नो सिग्नल यानी कि हाफ फ्लाइट मोड की समस्या आ जाएगी और DRX ऑफ हो जाएगा। फिर यहाँ पे इसकी IO वोल्टेज और VDD वोल्टेज वही सेम वोल्टेज है जो हमारी लोअर बैंड DRX के ऊपर है, और ये हमारा हायर बैंड DRX है, तो हायर बैंड DRX का ये एंटीना है, तो इस हायर बैंड DRX का एंटीना भी हमें चेक करना होगा। लोअर बैंड DRX का एंटीना यहाँ पे था, हायर बैंड DRX का एंटीना यहाँ पे है, तो इसको भी हम सर्च करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है जो कि मिडिल बैंड सेलुलर लिख रहा है, तो इस लाइन पे ये क्वाइल निकलना नहीं चाहिए नहीं तो आपकी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी। यानी कि क्या प्रॉब्लम आएगी, इस निकलने से ऐसा हो जाएगा कि लिस्ट जनरेट हो रहा है सेलेक्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपकी इंटरनेट स्पीड एकदम से चली गई है, आपका कॉल करते ही डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, इस तरह की समस्या भी आपको यहाँ से दिख सकती है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है एक ये एंटीना स्विच है जिसके अंदर आपको वाईफाई का एंटीना दिख रहा है और यहाँ पे एक लाइन दिख रहा है, ये भी हम अभी कंफर्म कर देंगे ये ट्रांसीवर के अंदर ही कनेक्टेड होगा। देखिए ये एक GPS का एंटीना है, ठीक है, तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे वाईफाई और DRX और GPS तीनों कनेक्ट होकर ये एक एंटीना स्विच दिख रहा है, DRX एंटीना जो कि ANT2002 है। तो अगर हम इसको देखें ANT2002 हमारा यहाँ पे दिख रहा है साइड में, तो ये वाली एंटीना है हमारी ANT2002 जो कि हमारी DRX की एंटीना है। तो ये एंटीना में F2000 जो दिख रहा है जस्ट इसके ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पे जस्ट एक यहाँ पे F2000 बड़ी सी IC दिख रही है, वो डैमेज नहीं होनी चाहिए, ये डैमेज नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से भी आपका वीक नेटवर्क या लिस्ट न बनना या कभी बनता है कभी नहीं बनता है या कॉल डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम या इंटरनेट न चलना, ये सारी समस्या यहाँ से आ सकती है, ठीक है। वाईफाई काम न करना, ये सारी समस्या यहाँ से आ सकती है, तो उसको आप चेक करोगे।
अब जो है हम देखने वाले हैं DRX का, तो हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि अभी DRX में एक लाइन और बची हुई है, तो हम वहाँ पर भी चलेंगे। ये एंटीना लाइन को हम कॉपी करके फिर से हम उसी DRX के ऊपर आ जाते हैं जहाँ से हम चले हुए थे। तो अब जो है इस DRX में ये तीनों लाइन हमें दिख रहा है कि दो तीनों के तीनों लाइन हमारे ट्रांसीवर के अंदर यहाँ पे कनेक्टेड है। तो हमने पूरी तरह से दोनों DRX को इसमें फाइंड आउट कर लिया ट्रांसीवर की मदद से कि इस फ़ोन के अंदर कितने DRX लगी हुई है। इस फ़ोन के अंदर दो DRX लगी हुई है, डाइवर्सिटी रिसीवर, जिसको दो पार्ट में स्प्लिट किया गया। इसी वजह से इस फ़ोन के अंदर मल्टीपल RFs दिख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से इस फ़ोन के अंदर मल्टीपल RFs दिख रहे हैं। तो हम इस तरह से इन सभी जो भी हमने ट्रांसीवर की रिक्वायरमेंट बताई उन सभी लाइन की रीडिंग चेक करेंगे और इन दोनों DRX की भी रिक्वायरमेंट चेक करके IC को रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसी IC को दोबारा से लगा सकते हैं, जिससे हमारा क्या होता है कि ट्रैक की चेकिंग हो जाती है कि ट्रैक हमारा ओके है, ट्रैक में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी IC अगर फिजिकली सही दिख रही है तो हम लगा सकते हैं। नहीं होती है तो हम दूसरे बोर्ड से निकाल के वही IC सेम मॉडल से या फिर सेम नंबर की IC वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, जो भी होगी। तो DRX तो हो गया। अब इसके बाद आता है PRX। तो इसी तरह से PRX को भी समझना होता है और PRX में भी इसी तरह से मल्टीपल RFs दिख सकते हैं और जिसके वजह से आपको इतने सारे RF दिख रहे हैं। और ये ट्रांस TXO लाइन को भी आपको समझना होता है, तभी आपका पूरा कंप्लीट नेटवर्क सेक्शन जो है एक्सप्लेन हो जाता है, यानी कि समझ में आ जाता है कि नेटवर्क सेक्शन काम कैसे करता है पूरी तरह से। तो हम PRX को भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और TX लाइन जो दिख रहा है इसको भी इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। जितना हमने बताया उतना भी काफ़ी है। अगर आप इतना काम करते हो, जिस तरह से यहाँ पर DRX को हमने फाइंड आउट किया उसी तरह से आप PRX को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, TX लाइन यानी ट्रांसमिट लाइन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो और उनसे भी आने वाली प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो। लाइन कैसे चेक होगी, ट्रैक लाइन अगर प्रॉब्लम, ज़्यादातर फ़ोनों में लोग ICs चेंज करते हैं, IC चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है, तो आपको ट्रैक लाइन पे काम करना होता है, कंपोनेंट पे काम करना होता है, क्योंकि हो सकता है कोई ट्रैक लाइन ओपन हो रही है या फिर कहीं पे टच हो रही है, तो उन सभी ट्रैक लाइन को आपको फाइंड आउट करना होता है। अगर कोई भी ट्रैक RFFE की कहीं पे भी किसी भी IC से मिस होगी तो ट्रांसीवर की आने वाली जो ये 5 वोल्टेजेस हैं, जो ट्रांसीवर की 5 वोल्टेजेस दिख रही हैं, इन वोल्टेजेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये वोल्टेजेस मिसिंग हो जाएंगी, यानी कि आपको ये वोल्टेज बनती हुई नज़र नहीं आएगी, ठीक है। तो इसका जो PRX और TX है इसको आप सेल्फ खुद करने वाले हो, क्योंकि सारी लाइनें हमने बताई कि कहाँ से क्या है। और यहाँ पे जो नीचे GRFC लाइन दिख रही है, ये जो इनेबल्स कर रहे हैं लाइन को और स्विचेस को, बहुत सारी स्विच है लाइन है उसको इनेबल करने के लिए भी ये लाइन सर्किट है, इसको भी आपको खुद करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना, मतलब एक्सप्लेन करके सही तरीके से समझना, तो आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, हमारा वेबसाइट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास जो स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएगी। वेबसाइट के अंदर भी इसकी वीडियोज़ आपको मिलेंगे, आपको इसकी पूरी वीडियोज़ वेबसाइट के अंदर भी मिल जाएगी। तो वेबसाइट का नेम है www.mobilelab.com, जहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करोगे अपनी ईमेल आईडी से और ऑर्डर प्लेस करोगे, फिर आपको पेमेंट डिटेल सेंड किया जाएगा, जिसके बाद आपकी आईडी जो है एक्टिवेट होगी। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा एक छोटा सा नॉलेज मैंने शेयर किया जो आपको समझ में आया होगा। ये SDR कॉमन नहीं है, मल्टीपल फ़ोन के अंदर नहीं लगे हुए हैं, आपको ये कभी कभी कुछ सेट के अंदर दिखेंगे। सैमसंग के अंदर भी आपको ये दिख सकता है, सैमसंग में आपको यहाँ पर जो मॉडल दिख रहा है A225, ठीक है, इसके अंदर आपको SDR675 यहाँ पर दिख रहा है। तो दो DRX के बारे में हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको, लोअर बैंड DRX और हायर बैंड DRX, ठीक है, और इसके साथ यूज़ होने वाले एंटीना स्विच और FL के बारे में। बाकी यहाँ पे जो एम्पलीफायर दिख रहे हैं लोअर और हायर के, इनको भी देखेंगे और ये फ्रंट एंड मॉड्यूल और 4G पावर एम्पलीफायर को भी हम आगे अपनी वीडियो सीरीज़ के अंदर देखेंगे। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।